आप लोग घर में क्या बनाते हैं ईद पे? कुछ बनाते हैं? खीर खुरमा बनता है। आप बनाते खुद? नहीं, मैं खुद नहीं बनाती। अब मैं कुकिंग शुकिंग नहीं करती, मैंने सिखा दिया, ट्रेन कर दिया इकबाला को। इकबाला? इकबाला हमारी मोहनजोदड़ो से निकली हुई इकबाला। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपके घर में कौन बनाता है? ईद के दिन हम लोग घर पे नहीं होते, ईद के दिन के घर पे ससुराल जाना होता है, अम्मी के घर जाना होता है, तो हम घर पे नहीं पड़ती। लेकिन खुरमा बनता है जो कि मैं नहीं बनाती हूँ। पूरी कोशिश करती हूँ कि हर साल बनाऊं, बट नहीं बन नहीं हो सकता ना। आप भी नहीं देखिए, मेरी जो सिचुएशन है, ऑल दीज इयर्स अम्मी के यहाँ ईद गुजरती थी, तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हाँ, शाम की अम्मी के यहाँ जाते थे, घर जाते थे तो पेट ही भरा होता था, तो सो जाते थे। तो अब मेरे ख्याल से ये ईद अगर मैं बाहर होती तो मैं कुछ बना लेती। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपसे मैंने पूछने क्या क्या आज तक, आज भी आप ईद पे मेरा नाम लिखवाती हैं मेहंदी से? मैंने अपने वाले यासिर का नाम नहीं कभी लिखवाया, लेकिन मेरे भाई की शादी हुई थी 2 साल पहले, तो उसकी बीवी ने अपने हाथ पे लिखवाया हुआ था मेरे भाई का नाम। तो यासिर को पता नहीं क्या हुआ, कहने का मेरा नाम लिखवा मेरा। मैंने कहा तुम पागल हो, 20 साल उस वक्त 20 हुए थे, अभी 22 होने वाले। तो कहते हैं कि हाथ पे नाम लिखो। मैंने कहा यासिर चीप, बच्चे क्या कहेंगे, वो क्रिंज करना शुरू कर देंगे। मैंने लिखवाया फिर भी। तो आपने लिखवाया? आप लोग भी करते हैं ये वाला हल्का फुल्का चिचोरापन? नहीं, ये मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन ये अभी होगा 22 साल। चिचोरापन नहीं है, आई मीन क्या इसमें चिचोरापन क्या? मैं अपने अल्फाज वापस ले लूं? आप अपने अल्फाज वापस लें, क्योंकि इकरा ने भी लिखवाना है यासिर। अरे जब मैंने कह दिया मैं वापस लेता हूं। ये तो एक चिचोरापन है। बहुत नादिर को मेहंदी पसंद है, तो नादिर को जब मेहंदी नहीं पसंद तो नाम लिखवाना तो बहुत दूर की बात है। इकरा ने तो मेहंदी का वो कमाल, मेहंदी नहीं पसंद। मुझे वो जब लड़कियों की मेहंदी उतर रही होती है ना, मुझे जब आई होती है तो आई लाइक इट कि बस ये लगी रहे, जब उतर जाती है तो अजीब सा। बहुत अच्छी। वैसे और क्या क्या रोमांटिक चीजें होती हैं शादी में जो अमूमन की जा सकती हैं और लोग ना बोलें क्रिंज है? छोटी छोटी चीजें, हर किसी के, हर कपल का रोमांस अलग होता है इसका। जैसे अगर सनम का रोमांस देखे, मुझे ऐसा लगता है इसके रील देखने से कि इसका बुरा बनाया हुआ खाना इसका मियां खा लेता है, वो भी रोमांस है। मुझे तो क्या लगता है जब वो घर साफ कर रहा होता है, वैक्यूम कर रहा होता है, मुझे बहुत खुशी होती है। आई थिंक दी छोटी छोटी चीजें होती हैं आपकी शादी में। इट डजंट रियली, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप आई लव यू कहें, बट आप एक दूसरे का जिस तरह ख्याल रखते हैं, ये छोटी छोटी चीजें एट द एंड ऑफ यू नो, आफ्टर कपल ऑफ इयर्स बेटर है आप वैक्यूम कर लें। नहीं, आप फूल भी दें, ये नहीं हो रहा कि फूल नहीं आ रहा है, सिर्फ वैक्यूम। अच्छा, वैक्यूम भी करें और फूल भी दें। जमाने फलक सारा को बहुत गुलाब के फूल दे रहा था, तो देख के ना कुछ हो रहा था, कंटेजियस होती है ये चीजें। तो मैंने देखो बाद में हमें पता चला वो फलक की अपनी दुकान भी फूलों की, वो उसकी पब्लिसिटी बाकी असल में नहीं नहीं भाई मुझे। अच्छा, यहाँ से रही है। I think मुझे खाना बहुत पसंद है। अगर कसाम कभी खाना मेरे लिए ले आता है ऑर्डर कर, मुझे वो उससे बड़ी मोहब्बत मुझे फील होती है कि